अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमआरजी जी ने मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी बनाती रहती है, तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक मिक्सर बनाया है। बहुत दोस्तों की ये ख्वाहिश थी, बल्कि इनकी ये डिमांड भी थी कि यार ये मोटर ना निकालनी पड़े। ठीक है, अक्सर जो मार्केट में देखते हैं हम, उसकी ना यहाँ से मोटर ही उठा दे, ड्रम मोटर होते हैं, यहाँ लगे होते वाले तो ना सही करते हैं, जिस वजह से कोई आ जाता है, यानी कि भाई मिक्सिंग भी नहीं होती है, सो मसले मसाइल। तो हमने ये इसके अंदर पोर्टेबल मिक्सर जो है ना अंदर डिजाइन किया है, जिसका जो झगना टाइप होता है वो आप निकाल भी सकते हैं इजीली और आप वापस डाल भी सकते हैं। तो इसी तरह एक और भी हमने फंक्शन इसके अंदर डाला है कि आप 2 सेकंड इसको रिवर्स चला सकते हैं, 2 सेकंड फॉरवर्ड भी चला सकते हैं। जैसा कि किसी दौर में लस्सी बनाई जाती थी हाथ के साथ झगना टाइप डाल के, तो ये उसी टाइप ही हमने उसी को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया है। और ये टोटली ऑटोमेटिक है और एनर्जी सेविंग भी है, मतलब आधे आस पावर की हमारी यूज हमें कि हम कोई एक एयर से काम, अभी हम दिखाते भी हैं आपको। तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो फूड ग्रेड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, 304 जिसे कहते हैं फूड ग्रेड्स SS304 वो इस्तेमाल की गई है। उसकी रीज़न ये थी कि क्लाइंट का नहीं पता होता उसने आगे नेक्स्ट बिजनेस को किस तरफ लेके जाना है। फॉर एग्जांपल वो हमसे बनवाता है जनाब जूस के लिए, कल कला को उसको उसके अंदर एसिड डालना पड़ता है, उसके अंदर जनाब कोई डिश वॉश बार बनाना पड़ सकता है। सो चीज़ें मतलब बिजनेस कोई पता नहीं होता किस तरफ जो है ना वो जो है ना ले जाए। तो इसको नजर रखते हम इसके अंदर ऐसे सिस्टम किया है वो 04 किया है, किसी भी सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है किसी भी बिजनेस में मिक्सिंग के लिए जो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है जी, तो ये अभी हम आते हैं, इसके अंदर डबल एक्शन है, रिवर्स और फॉरवर्ड भी है, और सीधा सीधा आप एक साइड पर भी चला सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर टाइम दे सकते हैं, सीधा कितनी देर चलना है और उल्टा कितनी देर चलना है ये टाइम भी दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सीधा कितनी देर चलता रहे, मिसाल के तौर पर 5 मिनट सीधा चले, 2 सेकंड के लिए उल्टा चले, 2 मिनट के लिए उल्टा चले, 10 सेकंड के लिए सीधा चले, मतलब A to Z आपके हाथ है कि आप उसको कैसे बना रहे हैं। आपका जो इसके अंदर मटीरियल आप डाल रहे हैं वो आपको उसको मिक्सअप करना है, चलाना है रोकना है, चलाना है रोकना है, इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो भी वेल एंड गुड। अगर आपको सीधा सीधा घुमाना है तो भी नो प्रॉब्लम, घुमा देगा ये। अगर आप कहते हैं कि इस उल्टा सीधा जैसे किसी जमाने में लस्सी बनाई जाती थी, आज भी बनाई जाती है माशाल्लाह, तो वो भी आप उसके अंदर मतलब उसको भी इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, और देखिए अच्छा इसी हिसाब से आप इसकी स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप हाई स्पीड चाहिए, कम चाहिए, मिड चाहिए, जो भी चाहिए आप स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसी हिसाब से जनाब आप इसके अंदर किसी किस्म का केमिकल, किसी किस्म की जो है ना लिक्विड, किसी किस्म का जूस इसके अंदर मिक्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे लेके आए मैं आपको बताता हूँ। ये इसके अंदर टाइमर दिया गया है जी। ठीक है, ये इसकी एम्पेयर और वोल्ट मीटर है, ये जो है ना ऑटो और मैनुअल का है, रिवर्स चलाना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड चलाना चाह रहे हैं, रिवर्स फॉरवर्ड चलाना चाह रहे हैं, मिक्स करना चाह रहे हैं, ये इसका ऑफ का भी है और रीसेट का भी है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, अच्छा इसी तरह आप इधर लेके आए इसके अंदर। ठीक है जी, ये हमारा जो है ना मिक्सर है जी, अंदर का जो झगना टाइप बोलते हैं, ठीक है ये वो है, इसको आप इजीली निकाल भी सकते हैं और इसके अंदर दोबारा डाल भी सकते हैं। ये निकाल दिया मैंने, ठीक है, और ये दोबारा इसके अंदर ऐड भी कर दिया। ठीक है जी, ये ऐड भी हो गया, अब हम इसको चलाते हैं जी। यहाँ पे हम टाइम सेट करेंगे कि 4 सेकंड उल्टा चले और 4 सेकंड ही सीधा चले। आगे ले जाओ, आगे ले।
समझाना करीब हम लोग। ठीक है, अच्छा इसी हिसाब से आप इसकी स्पीड कम करना चाह रहे हैं, तो यहां से आप इसकी स्पीड कम कर रहे हैं। इधर दिखाओ आप, ठीक है जी, अब हम इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं अंदर लेते हैं। अच्छा अब आप इसको एक ही साइड पे अगर घुमाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो ये इसको इधर दिखाओ मैनुअल, ये हमने मैनुअल चला दिया, अब ये एक ही स्पीड पे घूमेगा। ठीक है, अब आपका काम कंप्लीट हो गया, इसको बंद किया आपने, ठीक है जी, अब यहां से ही आपने इजीली निकाल लिया। ठीक है जी, अब आपने फिर काम करना है, आपने ये इजीली इसके अंदर वापस डाल दिया और ये आपने रन आउट कर दिया। अच्छा इसी हिसाब से आप इसको रोकना चाह रहे हैं कि रुके फिर चले, रुके फिर चले, ये चला, ये रुका, ठीक है, ये अपने हिसाब से आप इसको फंक्शन दे सकते हैं, ये रुका, रिवर्स रुका, ये फॉरवर्ड, ठीक है। और ये टोटली जो पाइप है हमारा, ये भी एसएस का 304 वॉल भी 304 मटेरियल, पाउंड भी 304 मटेरियल, मतलब ये कि इसके अंदर ए टू जेड फूड ग्रेड मटेरियल इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपको पता है आप फिर जो चीज बनाते हैं फिर दिल लगा के और जिसे कहते हैं ना शौक से बनाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको कोई भी चीज मतलब इसके उठाने निकालने की जरूरत नहीं है, एक लॉक लगा हुआ है, लॉक आपने निकालना है, आराम से उसको बाहर ले लेना है, उसके बाद जनाब फिर से आपने उसके अंदर एड कर देना है दैट्स इट। ठीक है जी, तो ये इसका तरीका कार है, ये हमने बनाया था, तो अभी इसका थोड़ा सा काम बाकी है कि इलेक्ट्रिकल की ये वायर जो है ना हमने बदलनी है अभी, ठीक है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था जिस वजह से वो फिर टाइम नहीं मिला थोड़ा सा, ये पावर केबल हमने लगानी है। अच्छा यहाँ पे देखें, अंपेयर दिखाओ, ये 0.5 अंपेयर यानी आधा अंपेयर ले रही, ठीक है जी, 0.5 अंपेयर, मतलब ये कि आपकी बिजली को खपत है ही नहीं कोई खास, छत वाला पंखा भी ऑलमोस्ट इससे भी तकरीबन इसके लगभग लेता है, ठीक है, इसकी इसी के राउंड अबाउट लेता है 0.4545 अंपेयर यानी आधा अंपेयर, समझ लें आप, लोड पे आएगा मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा 0.67 तक चला जाएगा, यानी कि एक अंपेयर तक भी यानी कि फर्श पंखे तक भी पूरा नहीं जा रहा है इसका लोड, तो बहरहाल ये एनर्जी सेविंग बनाया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और मजीद जो है ना दोस्त, आप दोस्त भी बताएंगे कि क्या चेंजिंग की जा सकती है इससे अच्छा, मजीद अगर किसी के माइंड में हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा इसी से रिलेटेड और दूसरी जो मशीनरी से रिलेटेड है, हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस ऐसे लगी हुई हैं मज़ेदार सी, और हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ये हमारा शौक है और काम एक लगन होती है।
भी है और दिल से काम करते हैं, मतलब जान छुड़ाई वाला काम नहीं करते कि जनाब आया अगले बंदे को मशीन बनाई मारी जान छुड़ी अगला बंदा वो जाने उसका काम जाने, नहीं ठीक है, चीज़ बनाते हैं दिल से बनाते हैं, अच्छी चीज़ बनाते हैं, कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर की तरफ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू सो मच, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम, इसका व्यू दे दो।